मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना और इंसानियत मजहब नहीं देखती, बांटती है तो बस प्यार। देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ से ताजा तस्वीरें आ रही हैं, जहां एक ऐसा अनोखा प्रेम बकरीद पर देखने को मिला, जहां एक ही छत के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ नजर आए। ये नजारा हाजी खुर्शीद अली के घर में देखने को मिला, जहां सुबह होते ही हिंदू सिख और ईसाई धर्म के भाई ईद की मुबारकबाद देने हाजी खुर्शीद के घर पहुंच गए। इस मौके को अर्थ प्रकाश संवाददाता अजय चौधरी ने अपने कैमरे में कैद कर यादगार बना दिया। हाजी खुर्शीद जी, आप ये बताइए कि ईद के मौके पे लॉकडाउन को लेकर आपने ईद को कैसे मनाया? ऐसा है, हम भी ईद का एक संदेश देना चाहते थे शहर को और अपने हिंदुस्तान वासियों को कि ईद जो है ज़्यादा गैदरिंग में ही नहीं बल्कि कम आदमियों में भी मनाई जा सकती है। इसमें इस वक्त आप देख सकते हैं ईद उज़ ज़ुहा का जो ये त्यौहार है, मेरे साथ में पंडित कुंज बिहारी जी और साथ में हमारे सिख समाज के बलदेव सिंह जी और इधर मुस्लिम समाज के जो ना मेरे साथ में हाजी रईस साहब और हाजी जहीर साहब खड़े हुए हैं, इधर सिख क्रिश्चियन समाज से दीपक जी हैं। तो हम ये संदेशा देना चाहते हैं अपने चंडीगढ़ वासियों को कि ज़्यादा गैदरिंग करके नहीं, अपने घर में जो है ईद इस तरीके से भी मनाई जा सकती है। और ईद का जो त्यौहार है वो एक ऐसा त्यौहार है, ये सब में भाईचारा लाना चाहता है और इसका संदेश देना चाहता है। कोरोना को देखते हुए इस वक्त में हमने यही सोचा कि हम ज़्यादा आदमियों को ना बुलाकर, ज़्यादा दोस्तों को ना बुला करके, अपने चंद अहबाब को, चंद दोस्तों को बुला करके शहर में ये एक मैसेज देना चाहते हैं अपने मुस्लिम समाज को कि भाई आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल रखें और लॉकडाउन का ख्याल रखें, चंडीगढ़ प्रशासन का ख्याल रखें, जिस तरीके से हमें डायरेक्शन दी गई है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी ईद मनाएं और घर में ही नमाज को जो है ना अदा करें, घर में ही एक या दो साथी के साथ मिलकर अपनी ईद की खुशी का इजहार कर लें। मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा और सारे चंडीगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरे देश को मैं अपनी तरफ से ईद उज़ ज़ुहा की मुबारकबाद देना चाहूँगा। सबको मेरी तरफ से ईद उज़ ज़ुहा की मुबारकबाद हो और मेरे जितने दोस्त हैं मैं उनसे माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं ईद के मौके पर आप लोगों को अपने घर में नहीं बुला सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर ये बीमारी ना होती तो मैं ये चाहता, मेरा दिल जो है ना इतना बड़ा है कि मैं अपने जितने दोस्त हैं और मेरी पार्टी के भी जितने लोग हैं मैं उन सबको अपने घर पर बुला करके ईद उज़ ज़ुहा का जो ये त्यौहार है ये मनाना चाहता। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।